जरा सा नाम हो तो ये मट्टी बड़ी जरहेज है साकी, तो वो ये यही धरती है। सियालकोट के सपूत जो है ना वो ही कर रहे हैं सारा कुछ। एयर सियाल जहां जहां जाएगी, अभी डोमेस्टिक जब इंटरनेशनल भी होंगे, मैयत भी फ्री और उसके साथ अटेंडेंट भी फ्री। एक ये सब कर्म की बातें, ये आइडिया ये अल्लाह ताला भेजने वाले हैं। हमने कहा हमने अपने जहाजों के ऊपर ना दुरूद शरीफ लिखवाना। हमारी मीटिंग प्राइम मिनिस्टर साहब से हो गई, इमरान खान साहब। जब हम उनके ऑफिस में गए, सामने स्क्रीन लगी हुई थी, स्क्रीन पे एयरसेल लिखा हुआ था। तो आके कहते हो सियालकोट वालों वो एयरलाइन बना रहे हो, क्या क्या काम करोगे, एयरपोर्ट बना दिया, सड़कें बनाई, सर बड़ा उन्होंने अप्रिशिएट किया। फिर वो कहते जी मेरे पास आया मैं क्या कर सकता हूँ, हमें आपने रिन्यू करना है इसको। उन्होंने उसी वक्त बैठे कहते हो गया रिन्यू। मिनिस्टर साहब इनको किसी किस्म की परेशानी नहीं होनी चाहिए, इस ये सियालकोट के लोगों की एयरलाइन है, ये मेहनती लोग हैं, मेहनत का लोग हैं। हम अपने पैसेंजर्स को वेट की फैसिलिटी देंगे ताकि वो दो साल बाद आए तो खुशी खुशी घर आए। हमने कभी 30-30 हज़ार की 35-35 हज़ार की टिकटें नहीं भेजनी कराची की। 5 लाख से हमारे शेयर स्टार्ट होते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ अब्दुलबाद सिद्दीक राम और आप देख रहे हैं सियालकोट प्लस। नाज़रीन इस टाइम हम मौजूद हैं एयर सियाल के ऑफिस और हमारे साथ मौजूद होंगे जो एयर सियाल के चेयरमैन हैं फजल जिलानी साहब। हम आज उनसे आप एयर सियाल के बारे में मुकम्मल मालूमात और तफसीलात जानेंगे और उनसे ये भी पूछेंगे कि आप इस एयरलाइन की जो है वो डायरेक्टरशिप कैसे हासिल कर सकते हैं, ये एयरलाइन बाकी जो एयरलाइंस हैं उससे कैसे डिफरेंट है, और जो जैसे हमारा एक एयरपोर्ट है वो भी काफ़ी ज़्यादा फ्लाही काम कर रहा है, ये जो हमारी एयर सियाल होगी ये कौन कौन से फ्लाही काम करेगी, ये सारा कुछ हम जो है वो जानेंगे चेयरमैन एयर सियाल फजल जिलानी साहब से। तो आइए फिर उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर, क्या हाल चल रहे हैं? ठीक ठाक है, शुक्र अल्लाह का, बड़ी रहमत अल्लाह ताला की। आप सुनाओ, ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह सर। सर पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने जो है बड़ा कीमती और खसूसी टाइम हमें दिया है इसके लिए। अच्छा सर, सबसे पहले तो हमारे नाज़रीन को ये बताएं कि आपको ये आइडिया कहाँ से आया, मतलब कब इस प्रोजेक्ट पर जो है वो काम स्टार्ट होना शुरू हुआ? देखें जी, ये 2014-15 में मैं प्रेजिडेंट था सियालकोट चैम्बर ऑफ कॉमर्स का। तो ज़ाहरी बात है जब आप इस ऐसे फोरम पे बैठते हैं तो आप पब्लिक के लिए काम करते हैं, अपनी इंडस्ट्री के लिए काम करते हैं, तो डिफरेंट जगह पे जाना, मीटिंग्स होनी, जहाँ भी जाना, हमारे मुल्क का एक ही अलमिया है कि भाई हम लोगों की एक्सपोर्ट्स बढ़नी चाहिए, और जो लोग बाहर मुल्क से वो पैसा भेजते हैं लेकिन हमारी इम्पोर्ट्स और एक्सपोर्ट में इतना फ़र्क आ जाता है कि भाई हम फिर भी खसारे में जाते हैं। तो मैंने सोचा अपनी टीम के साथ बैठ के कि भाई हम एक तरफ ज़र मुबादला कमाते हैं, दूसरी जब हम ट्रैवल करते हैं तो वो हम जब एयरलाइन से टिकट्स वगैरह लेते हैं तो वो तो सरमाया बाहर लेके जाते हैं, तो क्यों ना हम अपनी एयरलाइन बनाएं। एयरपोर्ट बना चुके, ड्राईपोर्ट बन गया, एयरलाइन बनाते हैं, ये आइडिया तब हुआ। और उसके साथ बात बताना चाहता हूँ यहाँ पर कि मुझे एक जो आज COO हैं तारक अमीन साहब, उनसे भी मेरी मुलाकात हुई थी, वो एयरपोर्ट के वाले से मुलाकात हुई, वो एयरपोर्ट पे इंटरव्यू के लिए आए, फिर वो एयरपोर्ट पे उन्होंने कह दिया जी शायद मैं नहीं कर सकता क्योंकि मैं डिलीवर करना चाहता हूँ, मुझे कोई सेपरेट टास्क दें, तो इधर वो पॉसिबिलिटी नहीं थी। तो मुझे किसी दोस्त ने कराची से फ़ोन किया, भाई वो सियालकोट आया था तो वो असल एयरलाइन का बंदा है। अच्छा, तो मैंने उनसे बात की तारक साहब से, तो उन्होंने कहा जी हाँ, मैं उन्होंने मेरे साथ डिटेल में शेयर किया, तो मैंने पूछा कितने में एयरलाइन बनती है, उन्होंने बताया इतने में बनती है, ऐसे होता है ऐसे होता है, तो हमने कहा जी ठीक है अब हम एयरलाइन बनाएंगे अपनी। अच्छा। वहाँ से आइडिया आया कि हमने एयरलाइन बनानी है, तो अल्लाह का नाम लेके शुरू किया, तो आज आप देख लें कि अल्लाह का शुक्र है जहाज़ भी आ गया, ऑपरेशन स्टार्ट करने की पोजीशन में हम। सर बहुत बहुत मुबारक हो, जहाज़ अभी रिसेंटली हमारे लैंड हो रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता और भी आ रहे हैं, टोटल कितने जहाज़ आएंगे इसमें और अभी तक जो हैं वो कितने आ चुके हैं जो पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं? पहले तो जी मुबारक है आपके तमाम नाज़रीन को जी, ये पाकिस्तान के लोगों की एयरलाइन है, ये आप लोगों की एयरलाइन है, आपको भी मुबारक है, आपकी टीम को भी। देखिए हम लोग तो सारे अपने अपने बिजनेसेस करते हैं, हर बंदा अपना अपना कारोबार कर रहा है, हम लोग इस मुल्क की खिदमत करना चाहते हैं। ठीक है, चलिए मैं अब आपके क्वेश्चन की तरफ आ जाता हूँ। देखिए हमने डोमेस्टिक ऑपरेशंस पहले करने हैं क्योंकि पहले आपको डोमेस्टिक की इजाज़त मिलती है। ठीक है,
तो उसमें तीन जहाज हमारे आ चुके हैं। पहला जहाज हमारा कराची आया था, हमने उधर रिसीव किया था, दूसरा हमारा आया था सियालकोट में, तीसरा फिर कराची आया लास्ट फ्राइडे को, हम उसको रिसीव करने गए हुए थे वहाँ पे। तीनों जहाज आ गए हैं, अब हमने बस फ्लाइट भरने, उड़ान भरनी है अपनी इंशाल्लाह। तो सर इंटरनेशनल फ्लाइट्स के बारे में वो कब तक स्टार्ट हो सकती हैं? जहाँ तक इंटरनेशनल फ्लाइट्स का तो लगे ना, वो एक मैंडेटरी है कि आपने डोमेस्टिक उड़ना है एक साल के लिए, वो सिविल एविएशन की रिक्वायरमेंट है। उसकी वजह ये है कि वो चाहते हैं देखते हैं कि आपकी पंक्चुअलिटी को देखते हैं कि आप आपके फ्लाइट्स ऑन टाइम है, कोई डिलेज नहीं है, सेफ्टी को देखते हैं, ठीक है, आपकी फैसिलिटेशन को देखते हैं, मगर उन्होंने तमाम चीज़ों को देखना होता है। और सबसे बड़ी जो बात है ना, वो आपकी आपके फाइनेंसिस को देखते हैं कि आप फाइनेंशियली स्ट्रांग है, क्योंकि अगर जहाज़ इंटरनेशनल आपको अप्रूवल मिल जाती है तो आप दुबई जाते हैं, तो आया दुबई वालों ने भी तो अपने चार्जेस वगैरह लेने होते हैं ना, तो वो सारी चीज़ों को देखते हैं। तो इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे, अपनी हमारी टीम बड़ी डेडिकेटेड है, बड़ी प्रोफेशनल है, कि उसके साथ मिलके हम लोग इसको साल से पहले कोशिश करेंगे अप्लाई कर दें। जब इंटरनेशनल होना ना, तो फिर हमें 5 जहाज चाहिए होंगे, अभी 3 है, इंटरनेशनल ऑपरेशन के लिए आपको 5 चाहिए। तो इंशाल्लाह ताला जब होगा इंटरनेशनल करेंगे तो हम 5 जहाज 2 और लेके आएंगे। सर जैसे हमारा सियालकोट इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी जो है वो हमारे सियालकोट चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने बनवाया, इसी तरह ये जो एयर सियाल है ये भी हमारी चैम्बर की ही मरहूने मिन्नत है। इसमें जो हमारा सियालकोट का एयरपोर्ट है उसमें जो डायरेक्टर्स की तादाद है वो तकरीबन 300 से ज़्यादा की है, इसका क्या प्रोसीजर है, इसमें कितने डायरेक्टर्स हैं और कितनी इस पर लागत आ चुकी है बनाने में इसको? देखिए जी, पहली बात तो ये है कि सियालकोट चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री माशाल्लाह वो अदारा है जो जो हमारे ग्रुप लीडर है रियाजुद्दीन शेख साहब, अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी दे से तंदुरुस्ती दे, उनकी सरबराही में सियालकोट की बिज़नेस कम्यूनिटी यूनाइटेड है। कोई भी हम लोग प्रोजेक्ट करते हैं, जैसे एयरपोर्ट का आपने जिक्र किया, तो वो इनिशिएटिव जो लिया जाता है ना, वो उदबाँ से लिया जाता है, फिर बिज़नेस कम्युनिटी उसको ओन करती है। उसमें कुछ लोग उसमें प्रोजेक्ट में आ जाते हैं, जैसे एयरपोर्ट पे कुछ लोग ना आए कुछ आ गए, इसी तरह एयरलाइन में भी। तो इस तरह हम इसको लेके चलते हैं। इसमें आपने कहा कि भाई कितने डायरेक्टर्स हैं, देखें जी हम भी कुछ 300 के आगे पीछे डायरेक्टर्स करेंगे, जो कि माशाल्लाह अब आलमोस्ट तादाद पूरी हो चुकी है, तो अब किसी भी टाइम हम इसको क्लोज कर देंगे। तो सर ये बता सकते हैं आपके एक कोई डायरेक्टरशिप लेना चाहे तो उसके क्या फीस वगैरह या उसकी इन्वेस्टमेंट क्या होगी? ये हम इंटरव्यू में तो नहीं बता सकते, यहाँ पे आएँ हम उनको पूरी इन्फॉर्मेशन देंगे कि भाई कितने पैसे आप इन्वेस्ट करेंगे तो आपको डायरेक्टरशिप मिलेगी। वैसे छोटी सी बात बता दूँ कि 5 लाख से हमारे शेयर स्टार्ट होते हैं, मिनिमम किसी ने भी लेने हैं ना वो 5 लाख से स्टार्ट होंगे। अच्छा सर, दूसरी एयरलाइंस के साथ अगर एयर सियाल को कंपेयर किया जाए तो क्या वो किस जगह लाई करती है, यानी क्वालिटी के लिहाज से, सर्विसेज के लिहाज से, आप इसको कैसे इम्प्रूव करेंगे? देखें जी, अभी हम ट्रैवल करते हैं डोमेस्टिक जो है ना, जो कराची जाना जाना होता है, हमारे जहाज़ इंटीरियर हमारा सारा नया है और नई सीट्स हैं, स्लिम सीट्स हमने ली हैं, उनका वज़न भी कम है, उससे हमें पेट्रोल की भी बचत होगी और जो पैसेंजर्स हैं उनके लिए दूसरे नंबर पर हमारा फूड बहुत ज़बरदस्त होगा। जब भी सिविल एविएशन में COVID-19 से बाहर निकलते हैं तो हमारा फूड अच्छा होगा, हमारी सेफ्टी पे हमने कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करना, सेफ्टी हमारी इंजीनियरिंग फर्स्ट लेवल की है, उसमें हम पहले दिन से इंजीनियरिंग सॉफ्टवेयर लेके आए हैं जो कि पहले दिन से इम्प्लीमेंट होगा, वो पाकिस्तान की ये एक आध और एयरलाइन के पास है लेकिन वो यूज़ नहीं कर रहे कम्प्लीट। एयर सियाल विल बी द फर्स्ट एयरलाइन इन पाकिस्तान विच विल यूज़ द डिजिटल सॉफ्टवेयर इंजन। की प्राइजेज़ क्या होंगी बाकी एयरलाइन के कंपेयर करें, क्या कोई हमें फैसिलिटेट किया जाएगा वहाँ को, उससे कम ही होंगी या उससे ज़्यादा होंगी? नहीं नहीं, ज़्यादा वाली तो बात नहीं है, सारी बात है अब आपने कंपेटिटिव रहना है मार्केट में, जब आपने कोई चीज़ सेल करनी है तो आपके प्राइस तो नहीं ज़्यादा ले सकते, आप प्राइस तो वही लेंगे लेकिन सर्विस हमारी उनसे इंशाल्लाह बेहतर होगी। हमारी पूरी कोशिश है, हमने पूरे अपने स्टाफ को कह दिया है कि भाई आपने पूरी तरह फैसिलिटेट करना है और हमारी सर्विस आउट क्लास होनी चाहिए। एयर सियाल में कोई ऐसी नई चीज़ें आप
इंट्रोड्यूस करवा रहे हो जो पहली एयरलाइंस में नहीं है? जैसे मैंने आपको बताया कि इंजीनियरिंग के वाले से, ठीक है, क्योंकि बैक बोन है एयरलाइन की इंजीनियरिंग, पहले दिन से हम लेके आए हैं सॉफ्टवेयर। इसी तरह हम फ्लाइट ऑपरेशंस में, वो भी हमारा सारा अपना सॉफ्टवेयर लिया हमने। पहले डॉक्टर जो पायलट थे ना, वो मैनुअली उसको करते थे, अब वो भी डिजिटल जाएगा। जो प्लेन के अंदर वो जिस तरह उसने उड़ाया है, जो कुछ हुआ है, वो हर चीज़ उसमें डिजिटल जाएगी। सर, इसमें जो एयर सियाल का नाम रखा गया है, वो कैसे जहन में आया कि इसका नाम एयर सियाल ही रखा जाएगा? देखिए कि सियाल, मैंने सियालकोट के चार लफ्ज़ लिए थे, ठीक है, कि भाई पहले चार लफ्ज़ सियाल, और एयर कोई भी एयरलाइन बनती है तो ये मैंने ही उस वक्त अपनी टीम को बताया कि हमने एयर सियाल के नाम से एयरलाइन बनानी है। अच्छा अच्छा सर, एक बहुत बड़ा ऐलान आपने किया पिछले एक वीक पहले तकरीबन, कि जो भी मैयत, अगर किसी शख्स की जो है वो मैयत बाहर से डेड बॉडी लानी है, तो वो एयर सियाल जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट वो लेके आएगी यहाँ पे, उसके बारे में ज़रा तफसीलन बता दें। देखिए, मैं पहले भी कह चुका हूँ कि सियालकोट की बिज़नेस कम्यूनिटी जो है ना, ये मुल्क की खिदमत के लिए बनी है। सड़कें बना दी हम लोगों ने, वॉलंटियरली पैसे दिए ना अपनी एक्सपोर्ट में से, कि भाई ठीक है, हम जब गवर्नमेंट ने मैचिंग ग्रांट दी, हमने रोड 36 किलोमीटर की रोड्स बनी, ड्रेनेज बनी, सारा कुछ हुआ, एयरपोर्ट बना अपनी मदद आपके तहत। डेफिनेटली गवर्नमेंट की सपोर्ट के बगैर कुछ नहीं हो सकता। उसमें गवर्नमेंट की सपोर्ट भी उसी तरह पैरेलल थी जिस तरह हम चल रहे थे, जिस तरह अभी एयरलाइन में हुआ है। अभी तो डोमेस्टिक है, अगर पाकिस्तान का जो मेन बिजनेस हब है वो कराची, हर बंदे की ख्वाहिश होती है मैं कराची जाऊं, वहाँ पे जॉब करूं, तो वो बेचारा किसी गांव का रहने वाला वहाँ पे जाता है, अल्लाह ना करे उसके साथ कोई मिसहैप हो जाता है, वो इस दुनिया से चला जाता है। तो वहाँ से मैयत को लाना, वो एक उनके लिए तो एक ऐसा मसला बन जाता है। तो हमने ये डिसाइड किया, हमें किसी ने वहाँ पर क्वेश्चन किया, तो हमने कहा जी एयर सियाल जहाँ जहाँ जाएगी, अभी डोमेस्टिक, जब इंटरनेशनल भी होंगे, मैयत भी फ्री और उसके साथ अटेंडेंट भी फ्री, एक वो भी फ्री, उससे भी कोई पैसा नहीं दिया जाएगा। इसलिए कि लोगों के लिए बनी है, ये लोगों के लिए बनी है, पाकिस्तान के लोगों ने बनाई है इस मुल्क की खिदमत के लिए। डेफिनेटली हमारा ऑब्जेक्टिव पैसा नहीं है कि पैसा बनाना है जी, नहीं, पैसा तो आएगा जब हम कारोबार करेंगे, लेकिन हम उसमें से बेशतर पोर्शन उन्हीं लोगों पे लगाएंगे, अपने एम्प्लॉइज़ पे लगाएंगे, अपने पैसेंजर्स पे लगाएंगे, उनको फैसिलिटेट करेंगे ताकि उनको एक मियारी सफरी सहूलत मिल सके। एयर सियाल को जब आपने शुरू किया तो कोई मुश्किलात भी आई इसमें बनाने में? आपने बात की हर्डल्स की, जो जो मुश्किलात आई उसमें मैं जिक्र करना चाहता हूँ कि हमें लाइसेंस मिला 2017 में, 4 सितंबर 2017 में। जब लाइसेंस मिला तो किसी वजह से हम लोग टाइमली जहाज़ जो है ना वो ना हो सके, कुछ जो हम मॉडल लेके आना चाहते थे, एयरबस 320-200 जो लेके आना चाहते थे हम जहाज़, उसमें ना जो एयरबस कंपनी में आती है उसके, उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया था न्यू इंजन, न्यू में कोई प्रॉब्लम आ गई। जब नए जहाज़ उन्होंने, उनकी प्रोडक्शन वैसे होती है 50 से 55 जहाज़ों की मंथली, वो आ गई 5 से 10 जहाज़ों की। अब जिन कंपनी ने नए जहाज़ बुक कराए हुए थे, उन्होंने पुराने रिलीज़ करने थे, वो रुक गए, हमें जहाज़ ना मिल सके। हमने अप्लाई कर दिया इसको रिन्यूअल के लिए ना, 24 मई को हमने 2018 को हमने लेटर लिख दिया सिविल सेक्ट्री एविएशन को कि हमारा ये ना लाइसेंस रिन्यू कर दें या इसको एक्सटेंड कर दें। कोशिश की, हमारी मुलाकात नहीं उनसे किसी वजह से हो सकी। जनरल इलेक्शन आ गए, आपको पता है 2018 में गवर्नमेंट चेंज हो गई, गवर्नमेंट इमरान खान साहब की आ गई, प्राइम मिनिस्टर की। उसमें ये हुआ कि हमने लोकल जो हमारी लीडरशिप थी यहाँ पे, उस्मान डार साहब, हमने उनसे जिक्र किया, मेरे भाई हैं छोटे उमर मीर साहब, क्योंकि हम लोग बताना चाहते हो चार लोग हैं इसमें, शायद मैंने पहले बता दिया है, फजल जिलानी मैं चेयरमैन हूँ, मेरे साथ सीनियर वाइस चेयरमैन कैसर इकबाल बरियार साहब हैं, वाइस चेयरमैन उमर मीर साहब हैं, और CEO हमारे मियाँ मीन हसन साहब हैं, हम चार लोग। मैंने उमर साहब की ड्यूटी लगाई, उमर यार आप उस्मान भाई से बात करो, तो ये हमारा वहाँ पे कोई इश्यूज़ है वो क्लियर करवा दें। तो मैं उस्मान डार साहब का बेहद मशकूर हूँ, उन्होंने हमारी मीटिंग, पहले मियां मोहम्मद सोमरो थे जो अपना इसके मिनिस्टर थे एविएशन के, उनसे मुलाकात करवाई, उन्होंने हमें बड़ा इनक्रेज किया
फिर उसी दौरान उन्हीं दिनों में हमारी मीटिंग प्राइम मिनिस्टर साहब से हो गई, इमरान खान साहब से। तो जब हम उनके ऑफिस में गए तो मिलने आए हमें, उनका मीटिंग रूम था, उसके सामने स्क्रीन लगी हुई थी, स्क्रीन पे सियाल लिखा हुआ था। तो आके कहते हैं वो सियालकोट वालों, वो एयरलाइन बना रहे हो? हमने कहा जी जी बना रहे हैं जी एयरलाइन। तो उन्होंने ना खुशी के इजहार किया, यार क्या क्या काम करोगे, एयरपोर्ट बना दिया, सड़कें बनाई, सर बड़ा उन्होंने अप्रिशिएट किया इमरान खान साहब, हाँ ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने। उन्होंने जब पूछा जी बताएं, मैंने थोड़ा सा बताया कि ऐसे हुआ ऐसे हुआ, तो उन्होंने ना कहा कि भाई आपको इश्यूज़ आ, क्यों इश्यूज़ आ रहे थे? मैंने बताया जी हमें टाइम नहीं था, हमने डिस्कशन की उनसे ना, फिर वो कहते जी मेरे पास आए मैं क्या कर सकता हूँ, हमने कहा आपने रिन्यू करना है इसको। अच्छा, उन्होंने उसी वक्त बैठे कहते हो गया रिन्यू, ओके आगे चले। मिनिस्टर साहब इनको किसी किस्म की परेशानी नहीं होनी चाहिए, इस ये सियालकोट के लोगों की एयरलाइन है, ये मेहनती लोग हैं, मेहनत का शुरू होगा और ये अपने शहर के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, तो अब ये मुल्क के लिए भी करना चाहते हैं, पहले भी मुल्क के लिए भी किया है। एयरपोर्ट हम 80 करोड़ रुपये टैक्स देते हैं, ये इस रीजन में सबसे बड़ा टैक्स पेयर हैं हम। तो जब उन्होंने ये बोला कि भाई रिन्यू है हमारा लाइसेंस रिन्यू हो गया, तो मैं बेहद शुक्रगुजार हूँ उस्मान डार साहब का, मियां मोहम्मद सोमरो साहब का, अभी जो एविएशन के मिनिस्टर है गुलाम चौधरी गुलाम सरवर साहब का, सेक्ट्री एविएशन का, सिविल एविएशन अथॉरिटीज़ का जो डीजी हैं हमारे, और उस्मान डार साहब का स्पेशल शुक्रिया, और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का। अच्छा, जब हम गए थे ना उनके पास, तब उन्होंने हमारे साथ, हमने कहा जी आपने जब हम इनॉग्रेशन करेंगे आपने आना है। अच्छा। तो हम उनके जितना उनका शुक्रिया अदा करें वो कम है कि जो उन्होंने वादा किया था ना उन्होंने पूरा कर दिखाया, वो आए हैं, उन्होंने आके हमारी एयरलाइन की इनॉग्रेशन की है। तो ये एक बड़े एजाज ही बात है सियालकोट की बिज़नेस कम्युनिटी के लिए, और मैं समझता हूँ कि ये सियालकोट की बिज़नेस कम्युनिटी है जो एक परचम तले इकट्ठे हैं और इस चीज़ को समझते हैं कि भाई हमने खिदमत करनी है, चाहे हम अपनी जेब से करें, हाँ जी गवर्नमेंट की तरफ हम थोड़ा कम देखते हैं, अपना हम खुद से करते हैं, कोशिश करते हैं, और फिर अल्लाह ताला बरकत डालता है उसमें। मुश्किलात किस काम में नहीं आती, ज़िंदगी तो है ही मुश्किलात का नाम है, आप हर रोज़ चैलेंजेस फेस करते हैं, तो इसमें भी इसी तरह हुआ है। लेकिन मैं डिटरमिन था, मेरी टीम डिटरमिन थी, और जो हमारे साथ प्रोफेशनल्स थे वो डिटरमिन थे कि हमने एयरलाइन बनानी है। बहुत से ऐसे वाक़यात आए हैं कि रातों की नींदें भी हमें हराम हो गई, सोना भूल गए, सारी बातें, लोगों ने पैसा दिया हुआ है, पैसा स्पेंड हो रहा है, सारी बात, हमने तो खर्चे तो पहले दिन से स्टार्ट हो जाते हैं। बिल्कुल। लेकिन हम लोगों ने जो चार लोग इसमें आगे लगे हुए थे, हमने शुरू में कोई जब कोई पैसा नहीं दिया, यूरोप गए हैं, दुबई इतनी दफ़ा गए हैं, कराची होटलिंग ट्रैवल सारा हमने अपनी जेब से किया है। लेकिन मुश्किलात ऐसी ऐसी मुश्किलात जो मैं यहाँ पर बता नहीं सकता, लेकिन अल्लाह ताला ने शुरू किया और किया हमें नबी करीम हज़रत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरकार के सदक़े में, हमें सुरखरू किया, हम सुरखरू हुए हैं, और आज अल्लाह के फजल करम से एक एयरलाइन खड़ी है जिस पे पूरे पाकिस्तान देख रहा है, पूरी दुनिया देख रही है कि सियालकोट की बिज़नेस कम्यूनिटी ने ये कैसा काम कर दिखाया। पहले भी इन्होंने बड़ा कुछ किया है, अब इन्होंने एयरलाइन बनाई है। एयरलाइन देखिए, इसने डिफरेंट कंट्रीज़ में जाना कल को, तो ये सियालकोट की बिज़नेस कम्युनिटी के लिए बहुत बड़े एजाज़ की बात है कि पूरी दुनिया में, तो अल्लाह ताला ने हमें कामयाब किया इसमें। वो यकीन करें मुश्किलें बड़ी आई हैं, ऐसी ऐसी मुश्किलें आई हैं कि मैं अगर इस पर लिखना चाहूँ कुछ तो बहुत कुछ लिख सकता हूँ। अच्छा, आप देखा है कि बड़ी यूनिक सी एक चीज़ हुई है, और हम मुसलमान होने के नाते जो है वो सारे मुसलमानों को टच किया है इस बात ने कि जो त्यारे हैं उनके आगे या हफीज़ू और सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखा गया दुरूद शरीफ। ये आइडिया कहाँ से आया? देखिए मैं आपको एक बात बताऊँ, हमें तो ये पता है कि ये दुनिया अगर सरकार की ज़ात पाक को अल्लाह ताला ने ना बनाना होता तो दुनिया नहीं थी बनी, ये बनी है उनके लिए, ये सारा कुछ वहाँ से है। ठीक है, ठीक। और हज़रत अल्लामा अकबर रहमतुल्लाह अलैह जिनकी ये धरती है, उन्होंने कहा हुआ है, फरमाया हुआ है
कि मोहम्मद से वफा तू ने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है लोहो कलम तेरे हैं। ये सब कर्म की बातें देखें कि ये आइडिया भी अल्लाह ताला भेजने वाले हैं। हमने कहा हमने अपने जहाज़ों के ऊपर ना दुरूद शरीफ लिखवाना, ठीक है। पहले हमने थोड़ा सा नीचे लिखवाया था, फिर हमारे एक डायरेक्टर हैं उनकी मुझे कॉल आई कि जिलानी साहब ये देखें कि कहीं हमसे बेहरमती ना हो जाए कि जब पैसेंजर ने आना है तो पायलट की भी शूज़ हो, उसने भी बैठे होना है, तो फिर हमने ऊपर लिखवाया, ठीक है। तो हमारे लिए तो सारा कुछ यही है जी, साफ बात है, तो उनके सदक़े में सारा कुछ मिलता है। और ये जो एयरलाइन मुकम्मल हुई है ये भी उन्हीं के कर्म से हुई है। एयरसियाल के स्टाफ के बारे में भी कहा जा रहा है कि वो बाकी उनसे सबसे डिफरेंट होगा, प्रोफेशनल स्टाफ होगा। स्टाफ कहाँ से जो है वो इनरोल कर रहे हैं? नहीं, स्टाफ तो होना तो पाकिस्तान से ही है ना, यहाँ से। देखिए हम उनको डिफरेंट कल्चर के बारे में बता रहे हैं, उनको बता दिया है कि भाई यहाँ पे ज़ीरो टॉलरेंस है। हम उस इंडस्ट्री से तल्लक रख रहे हैं जो कि फैसिलिटेट करना है, जिसने आपने सर्विस ओरिएंटेड इंडस्ट्री है हमारी, तो सर्विस का मतलब आपको समझना चाहिए कि आपने अपनी अना को छोड़ना है और आपने खिदमत करनी है। खिदमत का जज्बा होगा फिर आपको किसी की बात बुरी भी नहीं लगेगी। तो ये उनको हम जो हमारी कोई भी ब्रीफिंग होती है उसमें हमको ये कहते हैं। बाकी वो ट्रेनिंग वगैरह स्टाफ की तो वो एक रूटीन का मैटर है, वो चल रही है जैसे सिविल एविएशन के रूल्स हैं उसके मुताबिक। एयरसियाल के अंदर आने वाले वक्तों में कोई फ्यूचर प्लान के इसमें हम क्या क्या अपडेट करने जा रहे हैं, क्या क्या नई चीज़ें ला रहे हैं? देखिए जब हम इंटरनेशनल होंगे ना तो हमारी कोशिश होगी कि हम बिजनेस क्लास में या इकॉनमी एग्जेक्टिव इकॉनमी में फ्लैट बेड दें कुछ सीटें आगे, ताकि जो लोग बिजनेस क्लास ट्रैवल करते हैं दूसरे कंट्रीज़ में तो वो भी एयरसियाल से ट्रैवल करें, क्योंकि ये फैसिलिटी एयरसियाल में मौजूद है, ठीक है। ताकि हमने उसके अलावा हम अपने जब ओवरसीज़ पाकिस्तानी है ना, जैसे मैंने आपको बताया कि पंजाब है ना, पंजाब इसमें से जो हमारा डिवीजन है ना 29% लोग ओवरसीज़ हैं, ऐसे दुबई, शारजा, सऊदी अरेबिया, कुवैत, कतर। जब वो पाकिस्तान आते हैं ना तो उनके पास बेटे ने कह दिया, बेटी ने कह दिया कि भाई मुझे पापा जी, बाबा जी ये लेके आए, अबू जी ये लेके आए, तो बाप का तो दिल करता है ना मैं अपने बच्चों के लिए लेके जाऊँ सारा कुछ। लेकिन उनको जब वो एयरपोर्ट पर आते हैं ना तो उन्हें प्रॉब्लम आ जाती है वेट की। हम अपने पैसेंजर्स को वेट की फैसिलिटी देंगे ताकि वो 2 साल बाद आएँ तो खुशी खुशी घर आएँ, अपने बच्चों के में खुशी में आए, उनके लिए चीज़ें लेके आए। ये माँ बाप की खुशी होती है, बच्चों की भी खुशी होती है। तो हम इसके हर उस चीज़ पहलू पे नज़र रख रहे हैं जिससे हमारे लोग खुश हों, क्योंकि मैं फिर के बार बार कह रहा हूँ ये उनकी एयरलाइन है, उनके लिए बन रही है। हमने कभी 30-30 हज़ार की, 35-35 हज़ार की टिकटें नहीं भेजनी कराची की, ये मैं आज कह रहा हूँ। जब ज़रूरत पड़ती है ना तो हम भी 30-35-35-35 हज़ार की 1 में टिकट लेके गए हैं कराची। एयरसियाल ने ऐसा नहीं करना, मैंने अपने चीफ कमर्शियल ऑफिसर को कह दिया नो वे, हमारी एक लिमिट होगी, उससे ऊपर नहीं जाना, क्योंकि अगर हम भी उसी तरह करेंगे तो इससे तो खिदमत ना हुई। अच्छा सर ये बता दें कि जो हमारे एयरसियाल के फ्लाइट ऑपरेशंस हैं वो कहाँ कहाँ पे होंगे और इसके जो ऑफिसेज हैं वो कहाँ पे हैं? हाँ, शुरू में तो हमारे फ्लाइट्स जो चलेंगी वो आपको थोड़ा सा बता दूं कि सियालकोट ये जहाँ पे आप आए हुए हैं ये कॉर्पोरेट हेड ऑफिस है, ऑपरेशनल हेड ऑफिस हमारा कराची में है। फ्लाइटें सारी जो डोमेस्टिक हब है ना वो कराची है, उसमें हमारी जितनी भी फ्लाइट्स हैं वो 3 फ्लाइटें हमारी लाहौर के लिए होंगी, कराची टू लाहौर डेली, डेली की डेली 3 फ्लाइटें हमारी इस्लामाबाद के लिए होंगी डेली, ठीक है। 3 फ्लाइटें वीक में स्टार्ट में सियालकोट और 3-4 हमारी पेशावर के लिए होंगी। ये इनिशियली होगा हमारा, लेटर हम इसको बढ़ाएंगे भी,
और जब हम इंटरनेशनल होंगे फिर इंशाल्लाह आपके शहर में, हमारे शहर में, सियालकोट में इसका हब होगा। यहाँ से फिर फ्लाइटें जाएंगी माशाल्लाह, जद्दा जाएंगी, दुबई जाएंगी, कुवैत जाएंगी, कतर जाएंगी, फिर हमारा हब सियालकोट भी होगा। सर टूरिज़्म के हवाले से बता दें कि एयर सियाल जो है वो टूरिज़्म के हवाले से कोई ऐसे जहाज़ स्टार्ट करने चाह रहे हो जो यहाँ से स्कर्दू और दूसरे कंट्रीज़ जैसे हांगकांग वगैरह उसमें भी? देखिए जब तक डोमेस्टिक की बात है, ये भी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के विजन की बात कर रहे हैं हम, कि वो कहते हैं जी हमने शिमाली इलाका जो है ना उनको एक्सप्लोर करना है, वहाँ पे होटल्स बनाने हैं, सारा कुछ होना है, तो एयर सियाल उनके शाना बिशाना चलेगी। एयर सियाल इंशाल्लाह ताला उन तमाम शिमाली इलाका जात में जाएगी जहाँ पे टूरिज़्म है और टूरिज़्म को एक्सप्लोर करेगी। हमारी टीम ऑलरेडी मैंने उनको इंस्ट्रक्शन दे दी हुई है कि भाई आप लोग उधर होटल्स वगैरह के साथ डील करें, हम पैकेज दिया करेंगे लोगों को कि टिकट, होटल, ट्रांसपोर्ट, हर चीज़ हम प्रोवाइड करेंगे ताकि कोई बंदा जा रहा है उसको परेशानी ना आए। अच्छा। तो ये हमने ऑलरेडी मैंने अपनी टीम को इंस्ट्रक्शन दे दी हुई है, अभी हम लॉन्चिंग के बाद इंशाल्लाह ताला इस पे वो काम करेंगे। तो जब मौसम, आपको पता आजकल तो सर्दी है, जब मौसम आएगा सरमा का, जब लोग बाहर निकलते हैं अपना टूरिज़्म के लिए, सैर व सेहत के लिए, तो इंशाल्लाह ताला हम उनको अच्छे पैकेजेस देंगे। एयर सियाल जो है वो फ्यूचर में कोई कार्गो जेट्स स्पेशली तौर पे जैसे कतर एयरवेज़ या दूसरी एयरवेज के एयरलाइंस के हैं तो एयर सियाल भी इसे स्टार्ट करना चाह रही है कोई? देखिए ज़्यादा कार्गो का तल्लक है ना डोमेस्टिक में हम करेंगे, कोरियर होगा, आपको पता ऑनलाइन आजकल बड़ा बिजनेस चल रहा है, तो वो तो होगा। जब हम इंटरनेशनल होंगे ना हमारे बड़े जहाज़ होंगे तो हमारे पास काफ़ी स्पेस होगी कार्गो को लेके जाने की। जहाँ तक ना स्पेसिफिकली आप कार्गो जहाज़ लेके आए वो उसकी फिजिबिलिटी कोई नहीं बनती ना, इधर से लेके तो जा सकते हैं, वहाँ से क्या लेके आएंगे, ये प्रॉब्लम है। तो वहाँ से जब आने के लिए कुछ नहीं है तो फिर ये इशू है, लेकिन कार्गो जारी बात है हमारा जहाज़ होगा उसमें हम अच्छा भला कार्गो लेके जा सकते हैं, वो लेके जाएंगे इंशाल्लाह। सर सियालकोटियों की एयरलाइन है ये, तो सियालकोट के लोगों को कोई पैगाम दे दें? सियालकोट के लोगों के लिए पैगाम है जी, आज आपका सरफ़ख्र से बुलंद होना चाहिए, इसलिए कि आपके शहर ने, हज़रत अल्लामा इक़बाल रहमतुल्लाह अलैह के शहर ने, उन्होंने फरमाया ना ज़रा सा नाम हो तो ये मिट्टी बड़ी जरहेज़ है साकी, तो वो यही धरती है सियालकोट के सपूत जो है ना वही कर रहे हैं सारा कुछ, तो इंशाल्लाह करेंगे भी। तो आप लोगों, सियालकोट के लोगों, आप बड़े हुनरमंद हो, आप में अल्लाह ताला ने बड़ी पोटेंशियल रखा हुआ है, आप में हर वो चीज़ है, लेकिन यूनिटी के साथ सैक्रिफाइस करें एक दूसरे के लिए, ये दुनिया भी कुर्बान गाह है, एक दूसरे के लिए कुर्बानी का जज्बा रखें, टॉलरेंस करें, तो इंशाल्लाह ताला कामयाबियाँ आपके कदम चूमेंगी और आप अल्लाह और उसके रसूल की, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, उनकी रज़ा के लिए काम करें, सारे काम सीधे हो जाने हैं, कोई रहना ही नहीं है। हमारे जो नाज़रीन हैं उनको बस एक आखिरी पैगाम दे दें एयर सियाल के हवाले से कि वो एयर सियाल को क्यों यूज़ करें और उसमें बाकियों से वो कैसे डिफरेंस होगी? नहीं, हम सबसे पहले तो पाकिस्तानी हैं, मैं तमाम नाज़रीन को कहना चाहता हूँ पाकिस्तान है तो हम हैं, इस मुल्क के लिए जान भी कुर्बान है, ये मुल्क को अल्लाह ताला ने इस तमाम नेमतों से नवाजा। आपको पता था दुनिया में 12 मुल्क हैं जिन मुल्कों में पाकिस्तान का नाम भी आता है कि जिसको अल्लाह ताला ने अपनी तमाम नेमतों से नवाज दी है, अब हम पे मुनसर है कि हम उनको कैसे मटीरियलाइज करते हैं। ठीक है, तो मेरी यही है कि अपना ईमानदारी, जिस काम के लिए आप लोग काम कर रहे हैं उसको पूरी ईमानदारी से करें, मेहनत से करें, फिर अल्लाह और उनके हबीब के सदक़े में कामयाबी मिलती है। हमें तो यही मिला है, अपने ज़ाती कारोबार में भी यही मिला है और अभी ये एयर सियाल में भी जो कुछ देख चुके हैं यही कुछ मिला है। तो मैं यही कहूँगा कि आपके नाज़रीन से रिक्वेस्ट है कि वो एयर सियाल से ट्रैवल करें और ये उनकी एयरलाइन है, उनके लिए बनाई गई है, तो हमारे हाथों में हाथ डालें ताकि इस मुल्क की तरक्की में हम इकट्ठे मिल के चलें। सर बहुत शुक्रिया आपने हमें अपना खसूसी टाइम दिया। नहीं नहीं, टाइम तो हर वक्त अवेलेबल है जी, हम लोग बैठे ही यहाँ पे आप लोगों के लिए हैं, तो बस आप दुआओं में याद रखिएगा हमें।